सभी दर्शकों का विश्व न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सोनपुरवा। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सभी बच्चे बाहर में घूम रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का ऑफिस में आपको दिखाते हैं, कोई नहीं है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। बच्चे लोग का क्लास है, बच्चे लोग का क्लास है, बच्चे लोग का क्लास में कोई नहीं है। आप देखिए यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ लेकिन कोई पढ़ा नहीं रहा, कोई बच्चे में क्लास में नहीं है। बच्चे लोग बाहर घूम रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें देखिए ये क्लास है, इस क्लास में भी कोई बच्चा नहीं है, इस क्लास में भी कोई बच्चा नहीं है, खाली है। कितने बजे छुट्टी होता है सर? कितने बजे छुट्टी होता है? एक बजे। एक बजे टिफिन? एक बजे छुट्टी। कितने बजे होता है? तीन बजे। एक बजे टिफिन होता है। अभी कितना बज रहा है? ढाई बज रहा है। बज रहा है ना? ढाई ढाई बज रहा है ना। तो कोई नहीं है क्लास में, टीचर भी नहीं है। टीचर अभी घर चले गए, लड़का के तबीयत खराब रहता अभी गई। कोई टीचर नहीं है? एक भी टीचर नहीं है? एगो गई लेकिन घर पर। घर है, घर चले गए ना। मैंने लड़का की तबीयत खराब था तो छोड़ छाड़ के चले गए हैं स्कूल से। अपने बच्चे लोग का तबीयत खराब था ना, उनका बच्चे का तबीयत खराब था और घर चले गए हैं। आप यहाँ पे क्या है? खिचड़ी बनाने वाला, खाना बनाने वाला है, रसोईया है। प्रिंसिपल सर भी नहीं है? कितने टीचर हैं यहाँ पे? दो। क्या क्या नाम है हम लोग का? विनोद और सुरेश चौधरी। सुरेश, विनोद चौधरी, सुरेश चौधरी। नहीं वो मेहता है। मेहता, विनोद मेहता। सुरेश चौधरी। आपका नाम क्या है? सूरजी देवी। बुलाइए उनका, सर को बुलाइए सर को। कोई बुलवा। झारखंड का यह अजूबा स्कूल है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में दो शिक्षक और दोनों के दोनों इस विद्यालय से नदारद मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल के शिक्षक ही क्लास से गायब हो जाए उस स्कूल का भविष्य कैसा होगा। हमने सभी बच्चों को समझा बुझाकर क्लास में बैठने को कहा, तब जाकर बच्चों ने अपने अपने क्लास में बैठा। हमने बच्चों से कुछ खास बातचीत की। नाम क्या छोटे? नाम क्या है? रागनी कुमारी। कहाँ का है? खड़ा हो जाओ। सोनपुरवा। सुबह से क्या पढ़ाई की हो? सब कुछ पढ़ाई की है, पढ़ाई हुआ है। सर कहाँ चले गए? हमको नहीं पता। कोई क्लास में नहीं है, सर कहाँ चले गए? हमको नहीं पता है। नहीं पता है? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? फाइव में हो ना? हाँ फोर में। फोर में ना। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तुम्हारा नाम क्या छोड़ो? आयुष कुमार। कहाँ घर है? गजादर बीघा। गजादर बीघा। पापा क्या करते हैं? बड़ी क्या है? सर नहीं ना तुम्हारे क्लास में? नहीं। कब छुट्टी होता है? तीन बजे। तीन बजे? अभी ढाई बज रहा है, कोई टीचर नहीं है तुम्हारे क्लास में। रोज दिन ऐसे ही होता है? नहीं। आज खाना में क्या मिला था? दाल भात चोखा। दाल भात चोखा। कल क्या मिला था? कल क्या मिला था? सब्जी आलू के। आलू के सब्जी। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तुम्हारा नाम क्या छोड़ो? अभय कुमार। कहाँ घर है? सोनपुरवा। सोनपुरवा। पापा क्या करते हैं? कमा गए। कौन सा क्लास में हो? तीसरा। थ्री क्लास में हो? हाँ। थ्री का स्पेलिंग बताओ। तुम्हारे क्लास में भी कोई टीचर नहीं है, सुबह से क्या पढ़ाई किया है? सब कहाँ चले गए? सर कहाँ गए? कुछ बता के गए हैं? नहीं। नहीं बता के गए हैं? तुम्हें बाहर में घूम के घूम रहा था ना? हाँ। खेल रहा था ना? हाँ। रोज इन्हें से ही होता है? हाँ? रोज इन्हें से ही कहते हैं सर लोग। तुम्हारा नाम क्या है छोटो? रोहित कुमार। कहाँ घर है? सोनपुरवा। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? कौन सा क्लास में हो? चौथा। फोर का स्पेलिंग बताओ। नहीं पता। नाम क्या छोड़े? हाँ नाम क्या है? कुसुम कुमारी। हाँ कुसुम कुमारी। पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? कौन सा क्लास में हो, जोर से बोलो। पांचवा। फाइव में। फाइव का स्पेलिंग बताओ। FIVE। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? कौन सा जिला में रहती हो? पलामू। चलो शाबाश। तुम्हारा नाम क्या छोड़े? सोनाली कुमारी। कहाँ घर है? सोनपुरवा। पापा क्या करते हैं?
काम करते हैं। अभी तुम्हारे क्लास में सर नहीं है? नहीं है ना? नहीं। कहाँ चले गए सब? बता कर गए हैं? नहीं, ये थी करना था ना, सब जमा करना कॉपी उपी, तो गए हैं जपला। जपला गए हैं? हाँ। तुम लोग चुपचाप बैठे रहती हो? हाँ, हम लोग आधा घंटा के लिए पढ़ते हैं या फिर खेलते हैं फिर पढ़ते हैं। मतलब आधा घंटा खेलते हो, आधा घंटा पढ़ते हो, आधा घंटा खेलते हो, आधा घंटा पढ़ते हो? हाँ। ऐसे करते हो? नहीं, आधा घंटा खेलते हैं और हाँ। फिर 3 बजे तक पढ़ते हैं। 3 बजे तक? अभी 2:30 बज रहा है। तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? कौन से क्लास में हो? 5 का स्पेलिंग बताओ। तुम्हारा नाम क्या है छोटो? नीरज। कहाँ का रहा है? संपूर्वा। खड़ा हो जाओ। पापा क्या करते हैं? कमाते हैं। है? कमाते हैं। तुम्हारे क्लास में कोई सर नहीं है? नहीं। पढ़ाई नहीं होता है? होता है। पढ़ाई होता है? हिंदी पढ़ने आता है? हिंदी पढ़ने आता है। पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है? यहाँ से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ये झारखंड में है, ये सोनपुरवा का स्कूल है। आप देख सकते हैं बच्चे लोग नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे बेंच नहीं है बच्चे लोग के लिए। नाम क्या है छोटू तुम्हारा? नाम क्या है? आदित्य। रोज दिन ऐसे ही बैठते हो? गंदा नहीं होता है? पूरा पैंट में लग जाता होगा गंदा। ठंडा लगता है कि नहीं? ठंडा लगता है ना? हाँ। बेंच क्यों नहीं है? बेंच रहता है ना तो सब क्लास है ना तो ये बना देते हैं। इसमें नहीं देते हैं बैठने के लिए? नहीं, बैठाते हैं नीचे, उसमें सब बैठाते हैं। नाम क्या है छोटे? छोटू कुमारी। कहाँ घर है? काजीपुर। 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 पापा क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। नीचे बैठती हो जमीन पे? हाँ। बेंच नहीं है? हाँ, तो उसमें है। उसमें है, तुम लोग को नहीं देता बैठने के लिए? ठंडा लगता है ना? हाँ। सर नहीं है तुम्हारे क्लास में, कौन पढ़ाता है? दो को सर थे तो गए थे। कहाँ थे? हाँ? कहाँ तक गए हैं? जोर से बोलो, जोर से। जोर से कौन बोलेगा? जोर से कौन बोलेगा? तुम बोलेगे। नाम क्या है तुम्हारा? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार कहाँ का रहे? संपूलवा। नीचे बैठते हो जमीन पे? हाँ। कौन बोलता है बैठने के लिए? साल। सब लोग बोलते हैं? हाँ। ठंडा नहीं लगता है नीचे? लगता है। लगता है ना? हाँ। परेशानी होता है ना? हाँ। कौन सा क्लास में हो? दूसरा। दूसरा क्लास में? हाँ। जोर से बोलना छोड़। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा है। कहाँ घर है? सनपुरवा। नीचे बैठते हो जमीन पे? हाँ। कौन बोलता है बैठने के लिए? साल जी। बेंच नहीं देते हैं? ठंडा लगता है? हाँ। कौन सा क्लास में हो? दूसरा। दूसरा क्लास में? हाँ। सर लोग अच्छे से नहीं ना पढ़ाते हैं? हाँ। नहीं ना? आप देख सकते हैं ये झारखंड के सोनपुरवा का स्कूल है, बच्चे लोग नीचे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बच्चे लोग को दिक्कत होता होगा, परेशानी होता होगा। नहीं, लोगों को नीचे बैठने के लिए दरी दिया गया है, साफा इन लोग जमीन पर बैठ रहा है। क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री जमीन पर बैठकर करेंगे अपने कार्यालय में? उनको तो एसी चाहिए, टेबल चाहिए, बड़ा बड़ा टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, गद्दा वाला चेयर चाहिए, लेकिन बच्चे लोग बैठेगा जमीन पर। ये बच्चे लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ 2:20 में आए थे। हम लोग यहाँ पे कितने बजे छुट्टी होता है? 3 बजे। 3 बजे 3 बजे छुट्टी होता है? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? सोनाक्षी कुमारी। तुम्हारा नाम क्या है? छोटू कुमारी। कहाँ घर है? काजीपुर। काजीपुर। तुम्हारा नाम क्या है छोटे? दिव्या कुमारी। कहाँ घर है? दिव्या कुमारी। धंधा नहीं होता है नीचे बैठते तो? धंधा होता है। होता है ना? हाँ। मम्मी डांटती होगी? डांट ली थी। ठंडा लगता है? हाँ। आप देख सकते हैं बच्ची लोग हैं, बच्चे लोग हैं, इन लोगों का कितना दिक्कत होता है। देखिए हम भी बैठे हैं, पूरा आप ऐसे हाथ उठा के देख लीजिए, पूरा गंदा लग जा रहा है। बच्चे लोग का कितना परेशानी होती है, इन लोगों का बेंच भी नहीं दिया गया पढ़ने के लिए। क्लास में टेबल है, सर के लिए कुर्सी है, मस्त एकदम VIP एकदम कुर्सी है। सर लोग ऐसे बैठते होंगे, ये भी टूटा ही हुआ है। सर लोग बैठते होंगे क्लास में, बच्चे लोग पढ़ाते होंगे, जबकि बच्चे लोग नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और सर लोग चेयर पर बैठ के पढ़ा। चेयर पर बैठते हैं ना छोटी? चेयर पर बैठते हैं ना सर? जी सर। हाँ हाँ। तुम नीचे बैठते हो? हाँ। हे भगवान, इधर से जोर से बोलो। नाम क्या है छोटू? विशाल कुमार।
सर लोग चेयर पर बैठते हैं ना? जी सर। तुम लोग नीचे बैठते हो? हाँ। ठंडा नहीं लगता है? लगता है। लगता है ना? यहाँ पे ग्रामीण लोग कुछ बच्चे लोग हैं, जब हम इनसे पूछे कि आप ही लोग के भाई लोग, आप ही लोग के दोस्त लोग इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा, आप लोग कुछ बोलिए तो लोग चूचा भाग जा रहे हैं। नाम क्या है छोटू? अभिषेक कुमार। कहाँ का है? सोनपुरवा। सर लोग कहाँ चले गए? सर लोग पता नहीं कहाँ पे गए हैं। कोई नहीं ना सर? नहीं सर। बताइए, यहाँ पे 2:30 बज रहा है, 3 बजे छुट्टी होता है, अभी कोई टीचर नहीं है। बच्चों लोग के भविष्य के साथ बर्बाद हो रहा है कि नहीं, खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कुछ बच्चे लोग को नीचे बैठने के लिए दिया जा रहा है, गलती है कि नहीं? ऊपर में बेंच रखा हुआ है तो अभी नहीं देते हैं। चलो दिखाओ तो। आप ताला मारा वो बाहर से दिखाई देगा? नहीं, नहीं दिखा, रूम है। नहीं दिखा। ऊपर में बेंच रखा हुआ है ना? जी हाँ रखा हुआ है। अभी बच्चे लोग नीचे बैठ के पढ़ रहा है, है? आप देख सकते हैं इस भाई के द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चे लोग के लिए ऊपर में रखा हुआ है बेंच, लेकिन बच्चे लोग पढ़ते हैं नीचे पे, बच्चे लोग को नहीं दिया जाता बैठने के लिए। तो आप समझ सकते हैं झारखंड में किस तरह से बच्चे लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, बच्चे लोग को बैठने के लिए नहीं है, फर्श देखिए पूरा टूटा पड़ा है, यहाँ पे देखिए फर्श पूरा टूटा पड़ा है। तो किस तरह से झारखंड में विकास होगा, बच्चे लोग का भविष्य किस तरह से बनाया जाएगा? इस तरह से होगा तो बच्चे लोग का भविष्य बर्बाद ही होगा, न कि आबाद होगा। तो इस पर झारखंड के शिक्षा मंत्री और हुसैनाबाद के शिक्षा पदाधिकारी, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और कड़ी से कड़ी जो दोषी लोग हैं, जो टीचर हैं, स्कूल में आते हैं लेकिन बीच में ही गायब हो जाते हैं, अपना काम से कुछ काम से गायब हो जाते हैं, वैसे टीचर पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि बच्चे लोग का भविष्य बर्बाद न। दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। अभी आपको बोले कि सर नहीं है, आप बोले कि सर को बुला दे रहे हैं, बोले ना? हाँ बोले थे। तो कम से कम 15 मिनट हो गया ना, 15-20 मिनट तो का तो कागज जमा करे गई हस, यहाँ के सब लिखा पढ़ी वाला रहे ना। हाँ। वही लेके गई। आप देख सकते हैं यही जो चाची हैं, बोले कि हम सर को बुला दे रहे हैं, लेकिन सर को नहीं बुलाए, सर से बात किए हैं तो ये बोल रहे हैं कि वो कागज लेकर गए हैं। तो बताइए, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी और पलामू के शिक्षा पदाधिकारी सभी से मेरा अनुरोध है कि इस विद्यालय के दोनों शिक्षकों पर जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस स्कूल का शिक्षक ही स्कूल से गायब मिले, उस स्कूल का भविष्य कैसा होगा, आप सभी लोग खुद ही समझ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हुसैनाबाद के सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे ही चल रहा है।